हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फर्स्ट सेवन विषय हिंदी पाठ व्याकरण पाठ्यक्रम व्याकरण में भूतकाल के भेद आप लोगों पर परिभाषा लिखा चुकी हूँ। आज मैं भूतकाल के कितने भेद है, भूतकाल के छह भेद मैं बताई थी। भूतकाल के छह भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूत, आसान भूत, पूर्णता भूत, अपूर्ण भूत, सांगिक भूत, हेतु हेतु मजबूत। या छह भूतकाल के छह भेद होते हैं, इसको मैं आप लोगों को लिखवा चुकी थी या भूतकाल के परिभाषा लिखवा चुकी हूँ। आज मैं इसके बारे में लिखवा रही हूँ।
तीन फेर की परिभाषा लिखती है, इसे ध्यान से सुनिए। समानुभूत जहाँ क्रिया साधारण रूप से समाप्त हो वहाँ समानुभूत होता है, जैसे मोहन आया, सीता गई, बच्चा रोया इत्यादि। असानुभूत जहाँ क्रिया की समाप्ति अति निकट भूत में हुई हो वह असानुभूत होता है, जैसे बच्चा रोया है, मैंने तुरंत रोया है, सीता सोई है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, सीता ने बात कहा, मैंने तुरंत काम जो हो गया है उसका असानुभूत करते हैं। पूर्ण जहाँ क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त होती है वहाँ पूर्ण भूत होता है, जैसे लड़की हंसी थी, बच्चा सोया था, सीता ने भात खाया था। यह तीनों परिभाषा आप लोग लिख लीजिए और याद करते सबको कॉपी में नोट करेगा, याद कीजिएगा, कुंभकार पर याद कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।